गुड इवनिंग दोस्तों, क्रिकेट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ ज़रूर देखें। आज की जो ये हम वीडियो बनाएंगे वो हम बना रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान होता है क्रिकेटर के लाइफ में। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा एक 8-10 साल का हो जाता है, बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे क्रिकेट खेलना है। बेचारे हर माँ बाप तो क्रिकेट के इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, तो बेचारे माँ बाप अपने जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चे को कहीं पास के एकेडमी में डाल दिया, या कोई उनके फ्रेंड है जो उनकी एकेडमी चलाते रहेंगे तो वहाँ पर उनके यहाँ पर कोचिंग के लिए डाल दिया। तो पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एंटायर क्रिकेटर फ्रेटर्निटी के तरफ से आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप हमारे लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके बिना तो हम अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन कई कई चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली कि पेरेंट्स लोगों ने अपना काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं जिसमें पेरेंट्स लोगों को कोई चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहला, बच्चे को आप ना ये बोले कि वो क्रिकेटर बने, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो ही उसको वो क्रिकेट खेलने में आप उसको एकेडमी में उसका एडमिशन कराएं। अब जब बात आती है कि कहाँ पे उसको कोचिंग कराएं, तो आप प्लीज़ वेरीफाई करिए कि जहाँ पे वो कोचिंग एकेडमी में जाएंगे उनके कोचेस के क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन जहाँ आते हैं वहाँ पे मैं जो देखता हूँ, मैं दो तरह के क्वालिफिकेशंस देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कोच क्या लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं, क्योंकि जब एक आदमी को एक्सपीरियंस होता है खेलने का तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों को सिखा सकता है, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत लंबी रही है क्रिकेट में। या फिर ऐसे भी बहुत सारे कोचेज हैं जो क्रिकेट नहीं खेले लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वालिफाइड कोचेज हैं जिन्होंने एग्जाम्स पास किए हैं। तो आप प्लीज़ वो चीज़ें देखें कि आप जहाँ पे भी बच्चे को भेज रहे हो, और अगर बच्चे का खुद का इंटरेस्ट है तो ही उसको भेजें, और उसी कोच के पास आप उनको भेजें जो क्रिकेटर रह चुके हैं या फिर कभी क्रिकेट नहीं खेले लेकिन क्वालिफाइड कोचेस हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छे क्रिकेटर जो होते हैं वो अच्छे कोच बन सकते हैं, या फिर अच्छे कोच जो है वो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात आपके और रोल की, जब भी आप एक आपके बच्चे को अगर कोई एकेडमी में डालते हो तो प्लीज़ आप उसके साथ क्रिकेट डिस्कस ना करें कि आपकी बैट कहाँ से आ रही है, आपका डिफेंस कैसे होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर लोगों ने अपना अपना काम बांट के लेना चाहिए। ऑन फील्ड की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कोच देखेगा, खाने का डाइट जो होता है, जो रेगुलरली उसको खाना है वो मम्मी देखेगी, बाकी की जो सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, जैसे एकेडमी की फ़ीस हो गई या क्रिकेट किट लाना है, तो वहाँ पे फादर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे को अपने हिसाब से क्रिकेट खेलने दे, उसके ऊपर कोई चीज़ प्रेशर ना करे, क्योंकि क्या होता है बच्चे यूजुअली एक ड्रीम पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे सपनों के प्रेशर में इतने आ जाते हैं कि वो फिर यहाँ वहाँ दौड़ भाग करने लगते हैं, जो कभी नहीं करने देना है। तो प्लीज़ आप जो मैंने ये जो चीज़ें बोली है फिर से मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो ही उसको क्रिकेट एकेडमी में डाले, कोच का वेरिफिकेशन राइटली कर ले, राइटली करने में आप ये देखें कि उनके पास क्या कोचिंग क्वालिफिकेशन की डिग्री है, और अगर नहीं है तो क्या वो कभी क्रिकेट खेले हुए हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, प्लीज़ उसके ऑन फील्ड एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो, और आपका जो काम है विथ रिगार्ड्स टू उसका डिसिप्लिन, उसका रिस्पेक्ट, उसका खाना, उसके फिनेंशियल नीड्स, आप सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें और उसकी क्रिकेटिंग जर्नी उसको उसके हिसाब से आगे तय करने दें। आई होप मैंने आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और भी पेरेंट्स को इसका फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें,
और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।